आम आदमी पार्टी द्वारा सोमवार को नागपुर में बिजली जोड़ो अभियान शुरू किया गया। शहर में महावितरण द्वारा बिजली बड़े पैमाने में काटी जा रही है, इसी के विरोध में ये अभियान चलाया जा रहा है। लोगों का एक या दो महीने का भी बिजली बिल बकाया रहने पर महावितरण द्वारा बिजली काटी जा रही है, जिस पर आघाड़ी सरकार के सभी नेता चुप्पी साधे बैठे हैं और ना ही विपक्ष में बैठी हुई भाजपा का कोई नेता इस पर कुछ बोलने को तैयार है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने कुम्भारपुरा बजेरिया क्षेत्र, जो कि खुद महापौर दयाशंकर तिवारी के कार्यक्षेत्र में आता है, वहां के लोगों की बिजली भी आम आदमी पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर जोड़ी गई। जहां पर पहले खुद महापौर साहब ने बिजली बिल की होली जलाई थी, फिर बाद में वो भी मुकर गए। आम आदमी पार्टी आगे भी अपना अभियान इसी तरह जारी रखेगी, ऐसी जानकारी आम आदमी पार्टी मध्य नागपुर नेता प्रभात अग्रवाल ने दी। मेरा नाम देवेंद्र खिची है, मैं संतरामाड़ का रहवासी हूँ। मेरे इधर की बिजली काट दी गई थी, तो आम आदमी की पार्टी के नेताओं ने इसे जोड़ दिया गया है। और मेरे जून में ही मैंने 20,000 रुपये पेमेंट करवाया था, पर 3 महीने और हो गया है तो और 5,000 बिल आ रहा है, तो हम 25,000 रुपये कैसे भरेंगे? मेरा अमाउंट अभी के तारीख में 25,000 रुपये है, 25,090 रुपये, तो इतना मैं एकदम कैसे भर सकता हूँ? आप ऐसे कर सकते हैं कि किस्त में भी हमको 2,000 रुपये महीना कर दीजिए तो हम वो कर सकते हैं। और जो हाँ, और वो बैच भी नहीं काट रहे हैं, मैंने 20 भरा तो बैच मेरा वैसी के वैसी एज इट इज़ वैसे ही था, जो कटा नहीं तो 20 पे भी वो बैच काटे ही है उन्होंने, और अभी जो 25 है उसमें भी बैच लग के आ रहा है, तो इतना एक आदमी इंसान कैसा भरेगा? तो नेताओं ने जो वादे किए थे, जैसे उद्धव ठाकरे साहब ने बोला था कि बिजली हम फ्री करेंगे, और इन्होंने बोला था कि हम बिजली 100 यूनिट फ्री करेंगे नितिन राउत जी ने, तो उनके लिए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये सब वादे करते हैं और मुकर जाते हैं, साथ में कोई नहीं आता है। बस जो है आपको फ़ोन किया मैंने, तो आप यहाँ पे हाजिर हो गए और मेरा काम कर दिया।